जय माता दी बंधु, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे। बंधु, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि के जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के भविष्य फल के बारे में। तो बंधु, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे एक और वीडियो की लिंक दिखाई दे रही होगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर आएगा। जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको इस माह में सतर्क रहना होगा। व्यापार करने वालों के लिए बिजनेस में घाटा मिलने का संकेत मिल रहा है। साझेदारी करने का समय नहीं है, आपको इसे टाल देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको बाजार की पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए काम में रुकावट आएगी और बड़े अधिकारियों की से दिक्कत बाधाएं उत्पन्न होंगी। जहां तक हो सके आप अपने सहयोगी से संबंध बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। तीसरे तिमाही के पहले चरण में आपको अपने प्रेम को और भी आगे ले जाने का मौका प्राप्त होगा। जो जातक अपने साथी के साथ विवाद में हैं, तो इस समय का उपयोग उन्हें मनाने के लिए कर सकते हैं। कुछ जातकों को उनका प्यार मिल सकता है। यह समय आपके प्यार व संबंध के लिए अच्छा साबित है। परिवार में भी आपको समर्थन मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बृहस्पति इस महीने द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश का बृहस्पति आपके लिए सही नहीं है, यह आपको फंसाने का काम कर सकता है। आपकी बदनामी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय नौकरी करने वाले जातकों के लिए किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। द्वादश का बृहस्पति विश्वासघात का योग बना देता है। बृहस्पति का वक्री होकर बारहवें घर में बैठना परिणामों को और भी खराब करने वाला काम करेगा। आपको बेहद सावधान रहना होगा। अगस्त का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि और बिजनेस का विस्तार होने की संभावनाएं हैं, जिससे आपके पैसे की वृद्धि होगी। विदेश जाने वालों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। अगर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला के योग बनते नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि फल 2021 में सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला होगा। व्यापार में भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र वालों के लिए भी उन्नति का समय रहेगा। शुक्र और बुध का त्रिकोण में जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, सूर्य सुख का स्वामी होकर के करियर को देखना एक बहुत अच्छा समय आपके लिए बनाने वाला साबित हो रहा है। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए भी कहें तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 के आर्थिक लिहाज से सामान्य बना रहेगा। गुरु बृहस्पति और शनि के आपके अष्टम भाव में युति होने के कारण आपको धन हानि होने के योग बनेंगे। ऐसे में किसी भी तरह के लेन देन को करते समय विशेष सावधानी बरतें। द्वादश भाव में राहु की युति होने के कारण आपको खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे अहम काम होगा। साल के अंतिम महीनों में जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो आपकी परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा और इस दौरान आप जितने भी प्रयास करेंगे आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। वह धन की प्राप्ति होगी जिससे आर्थिक जीवन मजबूत होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 स्वास्थ्य पक्ष को लेकर थोड़ा कष्टदायी रह सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में अष्टम भाव में शनि और गुरु बृहस्पति की युति तथा आपके छठे भाव में छाया ग्रह केतु की उपस्थिति सेहत से जुड़े समस्या पैदा कर सकती है। इस दौरान खुद पर ध्यान रखें और जितना संभव हो सके अपने खान पान का विशेष ध्यान दें।
बाहरी खान पान में सावधानी बरते। साल के अंत में बृहस्पति का गोचर परिवर्तन से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आराम मिलेगा। मिथुन राशि फल 2021 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 करियर की दृष्टि से अच्छा जाने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। जॉब की तलाश में जुटे जातकों को अच्छी नौकरी मिलने के पूर्ण आसार बनेंगे। ध्यान रखें कि आलस को अपने से दूर बनाकर रखें। साल के अंतिम 3 महीनों के दौरान बृहस्पति और शनि के अष्टम भाव में युति होने से आर्थिक जीवन प्रभावित हो सकती है। इस दौरान धन हानि होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 की शुरुआत शिक्षा के लिहाज से अच्छी रहेगी। हालांकि साल का अंत थोड़ा कष्टदायी रह सकता है। यह साल खासतौर पर दूसरे देशों में जाकर पढ़ रहे विद्यार्थियों व विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए विशेष फलदायी साबित होगा। विशेष रूप से जनवरी से लेकर मई माह के अंतिम चरण तक मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। साथ ही शनि देव की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। आने वाले समय के लिए आप इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिहाज से प्रेम भरी रहेगी। आपके लिए साल का पहला महीना अच्छा जाएगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा। इस समय आपके और जीवन साथी के बीच प्यार बढ़ेगा। इस समय आप दोनों हर विवाद को साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। आप साथी के साथ बातें साझा करते नजर आएंगे और ग्रहों की दृष्टि आप दोनों को नजदीक लाने और आपके दाम्पत्य जीवन का विकास करने का कार्य करेगी। मिथुन राशि फल 2021 के अनुसार यह साल प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए अच्छे फल देने वाला साबित हो रहा है। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव में होने के कारण आपको कुछ अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसलिए व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देते हुए केवल अपने साथी पर ही ध्यान दें, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में जनवरी से फरवरी के मध्य आपके प्रेम में जीवन में मधुरता आएगी व आप विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। और ऐसे में यदि आप अपने प्रेमी से प्यार करते हैं तो इस रिश्ते को शादी में तब्दील कर सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान और जरूरतमंदों की सहायता करें। बंधुओं, ये था वीडियो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।